नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम पार्ट वन ईएफएम पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है। उसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व के बारे में स्टडी करा था। आज यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वो डिमांड एनालिसिस है, और जिसमें भी खासतौर से लॉ ऑफ डिमांड है उसके बारे में स्टडी करेंगे, यानी मांग विश्लेषण और उसमें भी मांग का नियम क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि डिमांड से अपना मीनिंग क्या होता है, यानी मांग किसे कहा जाएगा और खास तौर से इकोनॉमिक्स में डिमांड किसे माना जाएगा। अब डिमांड इन जनरल, मुझे भूख लगी है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसे डिमांड बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता। रियल में इकोनॉमिक्स में इसे डिमांड नहीं बोला जा सकता है। इकोनॉमिक्स में इफेक्टिव डिमांड के लिए 5 एलिमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। एक तो इसमें नंबर 1 आता है विलिंगनेस टू बाय और परचेज ए कमोडिटी और गुड्स और सर्विस, यानी किसी वस्तु या सेवा को खरीदने की इच्छा शक्ति किसी भी इंसान में होनी चाहिए। फिर उसमें सेकंड आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज द पर्टिकुलर कमोडिटी गुड्स और सर्विस, यानी सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति ही नहीं हो, विलिंगनेस ही नहीं हो, उसके लिए आपके पास में रिसोर्सेज मीन्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। फिर थर्ड नंबर आता है विलिंगनेस टू स्पेंड दोज रिसोर्सेज टू परचेज ए कमोडिटी, यानी वो जो आपके पास में रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं बट आप किसी कमोडिटी पे स्पेंड नहीं करना चाहते, तब भी वो इफेक्टिव डिमांड नहीं बन पाती है। तो आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास में है उनको आप स्पेंड करने के लिए भी रेडी रहते हैं या विलिंगनेस आपकी होती है, ये थर्ड एलिमेंट होता है। फिर फोर्थ एलिमेंट जो इसमें आता है एट ए सर्टेन प्राइस एंड एट ए सर्टेन टाइम, यानी ये टोटल 5 एलिमेंट्स हो गए, एक निश्चित समय पर और एक निश्चित कीमत पर। तो 5 एलिमेंट्स क्या हुए, वो आपके पास में एक तो विलिंगनेस टू परचेज ऑफ परचेज ए कमोडिटी, सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, थर्ड विलिंगनेस टू स्पेंड दोज रिसोर्सेज टू बाय और परचेज ऑफ ए कमोडिटी, फिर फोर्थ एट ए सर्टेन प्राइस एट ए सर्टेन टाइम, यानी 5 ये एलिमेंट बनते हैं तब इफेक्टिव डिमांड है वो जनरेट होती है। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दूसरा आपके पास में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, तीसरा उन वित्तीय संसाधनों को आप किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए उपयोग में लाना चाह रहे हो, चौथा एक निश्चित समय पर और एक निश्चित कीमत पर। जब ये 5 एलिमेंट बनते हैं तब इफेक्टिव डिमांड है वो जनरेट होती है। अब ये तो बात हुई इफेक्टिव डिमांड या डिमांड की इकोनॉमिक्स में क्या होता है। फिर उसके बाद में डिमांड है उसको डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो इनको डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बोला जा सकता है, या फिर इन्हें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यानी मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी जो वस्तु है उसकी कीमत कितनी है। अगर प्राइस आपकी अप्रोच में है या प्राइस आपकी एवरेज है, उस केस में जनरल पब्लिक उसे ज्यादा परचेज कर पाती है, इट मींस उसकी डिमांड है वो ज्यादा होगी। और प्राइस अगर किसी कमोडिटी की हाई सेट कर दी जाती है तो आधी पॉपुलेशन के अप्रोच से वो बाहर हो जाते हैं, यानी उस केस में डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है, कम डिमांड देखने को मिलती है। फिर सेकेंड इसमें आता है टेस्ट हैबिट एंड फैशन, यानी रुचि आदत और आपकी क्या फैशन है पर्टिकुलर कंज्यूमर की, वो भी किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करने के हैबिचुअल हैं तो इट मींस आप उसकी डिमांड करेंगे, उसके सिमिलर गुड्स हैं उनकी डिमांड आप नहीं करेंगे। तो टेस्ट फैशन हैबिट ऑफ कंज्यूमर है वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिमांड को अफेक्ट करता है। फिर थर्ड आता है मनी एंड रियल इनकम, मौद्रिक तथा वास्तविक आय। पहले तो इन दोनों में डिफरेंस है वो देख लिया जाए। मनी इनकम वो होती है जो किसी भी पर्सन को मोनेटरी टर्म में पे करी जाती है उसके वर्क के एवरेज में, चाहे वो उसकी सैलरी हो या उसे वेजेस बोल दिया जाए। बट रियल इनकम है वो इससे ऊपर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। छोटे से एग्जांपल से देख सकते हैं, मान लीजिए किसी कंज्यूमर की 100 रुपीज मंथली इनकम है और वो इसमें टोटल 20 आइटम्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर आइटम से वो परचेज करता था। अब मान लीजिए इस कमोडिटी की प्राइस है वो बढ़कर 7 हो जाती है, तो क्या वो 100 रुपीज में ये कमोडिटी की 20 यूनिट्स परचेज कर पाएगा? डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। तो
प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने से रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। प्राइस इंक्रीज होती है तो रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज हो जाती है, और प्राइस डिक्रीज होती है तो रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो जाती है। तो आपकी मॉनेटरी इनकम क्या है और रियल इनकम क्या है, इस चीज का इफेक्ट है वो भी डिमांड पर देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है चेंज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में परिवर्तन। डेफिनेट सी बात है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स के गुड्स होते हैं उनकी डिमांड डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली होती है, और सिमिलरली कंज्यूमर्स की इनकम इंक्रीज होती है तो जो आपके एवरेज गुड्स होते हैं या जनरल गुड्स होते हैं उनकी डिमांड भी डेफिनेटली इंक्रीज होती है, और पॉपुलेशन डिक्रीज होती है तो उस केस में बेसिक आइटम्स होते हैं उनकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। तो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होने के चांसेस बराबर होते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो प्रतिस्थापन तथा पूरक वस्तुएं होती है उनकी कीमतें भी कहीं ना कहीं किसी भी कमोडिटी की डिमांड को एडवर्सली या पॉजिटिवली अफेक्ट करती है। मान लीजिए आप सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहे हैं, तो आपका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है जैसे टी एंड कॉफी का एग्जाम्पल लिया जाता है, मान लीजिए कॉफी की प्राइसेस डिक्रीज हो जाती है तो टी के कंपैरिजन में कॉफी की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, और ऐसे ही कॉफी की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है तो टी के कंपैरिजन में कॉफी की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये तो केस हुआ सब्स्टिट्यूट गुड्स का। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो सिमिलरली कंज्यूम करे जाते हैं, लाइक टू व्हीलर हो गया उसके साथ में पेट्रोल का एग्जाम्पल लिया जा सकता है, फोर व्हीलर्स है उसमें पेट्रोल एंड डीजल जैसा भी उसमें यूज होता है उसके अकॉर्डिंग इनका एग्जाम्पल लिए जाते हैं। तो एक की डिमांड वहां पर या एक की प्राइस इंक्रीज होती है तो दूसरी की डिमांड है वो भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लग जाती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। यानी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उनकी प्राइसेस हैं वो भी डिमांड को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है चेंज इन कंडीशन ऑफ ट्रेड, व्यापार दशा में परिवर्तन। अगर फेवरेबल ट्रेड कंडीशन है तो डेफिनेटली डिमांड है वो इंक्रीज होने वाली होती है, और अनफेवरेबल ट्रेड कंडीशन होती है उस केस में डिमांड है वो डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है चेंज इन प्रोपेंसिटी टू सेव, बचत करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन। अगर जनरल पब्लिक जरूरत से ज्यादा सेविंग करने लग जाती है, इट मींस एग्जिस्टिंग कमोडिटीज हैं उनकी डिमांड डिक्रीज होगी। रीजन बीइंग लोग स्पेंड करने के बजाय वहां पर सेव करने पर ज्यादा फोकस करते हैं, अगर उनकी प्रोपेंसिटी ज्यादा है सेव करने को तो डिमांड वो डिक्रीज होती है, और सेविंग की प्रोपेंसिटी कम होती है, हैबिट कम होती है उस केस में आपके सिंपल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होते हैं तो डेफिनेटली वो गुड्स एंड सर्विसेज पे होंगे तो उनकी डिमांड इंक्रीज होने लग जाती है। तो प्रोपेंसिटी टू सेव है उसका भी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इफेक्ट है वो डिमांड पे देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है चेंज इन क्लाइमेट एंड सीजन, जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन। इसका रिसेंट एग्जाम्पल लिया जा सकता है, प्रेजेंटली राजस्थान में विंटर सीजन चल रहा है तो डेफिनेटली वूलन क्लोथ्स है उनकी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इस पर्टिकुलर टाइम पे एसी हो गया, कूलर हो गई, इस टाइप की चीजें हैं उनकी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है या ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। और ऐसे ही समर सीजन आएगा उस केस में वूलन क्लोथ्स हैं उनकी डिमांड है वो डिक्रीज या जीरो हो जाएगी, और एसी कूलर इस टाइप की चीजें हैं उनकी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो क्लाइमेट और सीजन को जो चेंज आते हैं उसका भी डिमांड पर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर चेंज इन प्राइस, भविष्य में कीमत परिवर्तन की कितनी आशंका है या कितने चांसेस हैं। ये बेसिकली जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, टिकाऊ वस्तुएं होती है, उन पे ये एप्लीकेबल होता है। जो पेरिशेबल आइटम होते हैं, जो फटाफट नाशवान प्रवृत्ति के होते हैं, वो उन पे ये चीज है वो अप्लाई नहीं होती है। जैसे ड्यूरेबल गुड्स में जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स आती है लाइक टीवी, कूलर, इस टाइप की जो चीजें हैं, मान लीजिए फ्यूचर में इनकी प्राइसेज इंक्रीज होने के चांसेज हैं तो प्रेजेंट टाइम पे इनकी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए कोई कूलर है वो आज की डेट में 10,000 रुपीज में आ रहा है, और आपको लगता है कि 6 महीने बाद इसकी प्राइसेज हैं वो 15,000 हो जाएगी, तो डेफिनेटली आप उसे आज ही परचेज कर लेंगे। तो फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने के चांस हैं, प्रेजेंट में डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, और फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होने के चांसेस हैं तो प्रेजेंट में डिमांड उनकी डिक्रीज हो जाती है। बट ये एप्लीकेबल होता है ड्यूरेबल गुड्स पे, यानी टिकाऊ वस्तुएं होती है उन्हें भी ये लागू होगा। फिर नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीति।
गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस पर भी डिमांड है काफी हद तक डिपेंड करती है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पे टैक्स है वो बहुत ज्यादा इम्पोज कर दिए, तो डेफिनेटली उसकी प्राइसेज हैं वो भी हाई सेट होंगी, और हायर प्राइस होंगी तो बहुत से लोगों की अप्रोच से वो प्रोडक्ट है वो बाहर हो जाएगा, तो उस केस में उसकी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। एक तो टैक्सेस के रेफरेंस में आता है, और सेकेंड गवर्नमेंट पर्टिकुलरली किसी सर्टेन टाइम पर किसी कमोडिटी को बैन कर देती है, उसके सेल को बैन कर देती है, बंद कर देती है, तो डेफिनेटली उसकी डिमांड है वो जीरो होने लग जाती है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिमांड को अफेक्ट करती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, मौद्रिक एवं साख नीति। इसमें खासतौर से मनी सर्कुलेशन है वो डिसाइड होता है, जिसपे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, CRR, SLR, ये सारी चीजें आती हैं। और इंडिया में ये पॉलिसी RBI फ्रेम करता है, बाकी जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेम करती है। अब मान लीजिए बैंक रेट इंक्रीज हो गई, तो डेफिनेटली बैंक से जो लोन मिलते हैं वो उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, लोन महंगे हो जाते हैं। और उसी केस में जब लोन महंगे होंगे तो लोग हैं वो मिनिमम लोन्स की डिमांड करते हैं, और मिनिमम लोन अगर लोग लेते हैं तो उस केस में लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी इनडायरेक्टली डिमांड है वो डिक्रीज होने लग जाएगी। और सिमिलरली RBI ने मनी सर्कुलेशन को इंक्रीज कर दिया, वो भी चीपर रेट पे यानी सस्ते लोन प्रोवाइड कराने स्टार्ट कर दिए बैंक्स के थ्रू, तो उस केस में लोग ज्यादा लोन लेंगे, लोगों के पास में इनकम यानी परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, और उस केस में डिमांड है वो भी इंक्रीज होने लग जाती है। तो जो RBI की मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी है, या फिर किसी दूसरी कंट्री के रेफरेंस में बात करें तो वहां की सेंट्रल जो बैंक है उसकी मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी है वो डिमांड को डिसाइड करती है कि वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। काफी हद तक 100% एक ही फैक्टर काम में नहीं आता है। फिर नेक्स्ट आता है सोशल एंड मटीरियलिस्टिक वैल्यूज, सामाजिक एवं भौतिक मूल्य। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी की क्या थॉट्स हैं। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि कोई भी कम्युनिटी है मैक्सिमम इसका कंजम्पशन करा जाना चाहिए, और वो अपने फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए इस टाइप की कम्युनिटीज को कंज्यूम करते हैं। अगर ये थॉट आपकी सोसाइटी में है तो डेफिनेटली वहां पे डिमांड इंक्रीज होती है, क्योंकि आप कंज्यूम करना और फेंकने का काम करते हैं, और आपने फ्यूचर के लिए स्टोर करने का सोचा है और कंजम्पशन को अप्रोप्रिएट रखना है, तो उस केस में डिमांड इंक्रीज तो हो सकती है पॉपुलेशन के रेफरेंस में, बट उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी जितनी आपकी मटीरियलिस्टिक वैल्यूज में इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। और लास्ट इसमें आता है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, जो तकनीकी ज्ञान की बात करी जाती है। अगर आपके प्रोड्यूसर, ये खासतौर से इंडस्ट्रियलिस्ट या प्रोड्यूसर के रेफरेंस में आता है, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, उनके पास में लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, तो उस केस में वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसकी पर यूनिट कॉस्ट है वो मिनिमम आती है, और पर यूनिट कॉस्ट मिनिमम आएगी तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड है वो इंक्रीज होने लग जाती है। और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज आपका पुअर है, उस केस में आप ट्रेडिशनल तरीके से प्रोडक्शन है उसको करना स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर कॉस्ट पर यूनिट आपकी हायर आती है, ज्यादा आती है, और उतनी प्राइसेज इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होने के चांसेज होते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो 10-12 पॉइंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि इन जनरल जो डिमांड है वो इंक्रीज होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, या कॉन्स्टेंट रहने वाली है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो लॉ ऑफ डिमांड का फर्दर पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।